टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। श्रद्धा हत्याकांड के बाद आरोपियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मेरठ में भी एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी है। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बताकर युवती के साथ रिलेशनशिप में था। युवक युवती से कई लाख रुपए ढक चुका है और जब युवती पैसे वापस मांगती है तो श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी देता है। पीड़िता मामले की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची। देखिए पीड़िता से मिली जानकारी। क्या मामला है, किस चीज को लेकर के आप यहाँ आई हैं? सर मैं आई हूँ कि एक लड़का मुझे 2 साल से मेरे रिलेशन में है, उसने हिंदू बता के मेरे से दोस्ती की, टिंकू और सेवम नाम बताया उसने अपना, और मैंने उसकी जाट पड़ताल की। अब तो वो मोमडन निकला, उसका नाम मुजम्मिल है। फिर उसके बाद सर वो मेरे से पैसे ले जाते रहा, मैंने कम से कम 8-9 लाख रुपए उसे दे रखा है, 2.5 लाख की बाइक दिला रखी, फ़ोन दिला रखा है आईफोन, और सर उस वो टेम्पू चलाता है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरे को, अगर मैंने उससे बात नहीं की तो उसने मुझे धमकी दी थी, और अब फिर कहने लगा मैं तुझसे शादी करूँगा। और मैंने उसको कहा तो शादी के लिए, वो कहने लगा कि जैसे श्रद्धा का हाल हुआ है ना दिल्ली में, वो हाल मैं तेरा करूँगा। कैसे संपर्क में आया था आपको? जी वो मेरी दुकान पर आता जाता था। तुम्हारी कहाँ की? जी मेरी बुटीक है। बुटीक? हाँ जी। तो क्या बताया उसने, कैसे? उसने मतलब मैंने उससे मना किया था, मैं तुझसे बात नहीं कर सकती बिल्कुल भी, कैसे कहीं तक नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने मुझे धमकी दी, अगर तूने मुझसे बात नहीं करी तो तुझे जान से मार दूंगा। सर कब आया था? 2 साल हो गए सर। शादी कर ली थी आपसे? नहीं। कितने पैसे ले रखे अब तक? उसने अब तक सर 8-9 लाख रुपए ले रखे हैं मेरे से। अब इनसे मिली है, क्या कहा उन्होंने? एसएसपी साहब ने कहा है कि उसको सजा दी जाएगी। जी आपको शक कैसे हुआ? शक इससे हुआ है सर मुझे, मैं उसके यहाँ पर गई थी, वो वहाँ पे नहीं था, तो मैं उसके वहाँ पर जांच पड़ताल निकालने गई थी, तो पता चला कि वो तो मोमडन है। आप उसके घर पे गई थी? हाँ, उसकी गली मोहल्ली में पता गई थी मैंने। रहता? वो डबल स्टोरी मोदीपुरम। और आप कहाँ रहती हूँ? मैं सर रहती हूँ सोफीपुर। सोफीपुर जी, ग्रीन सिटी कॉलोनी में मेरा बुटीक है। कितनी पढ़ी हुई है? जी सर मैं हाई स्कूल पास हूँ। देखिए इस बारे में शासन से मिली जानकारी। बताएं कि एक लव जिहाद का मामला है, लड़की आरोप लगा रही है कि श्रद्धा जैसा हल किया जाएगा। थाना पल्लोपुरम क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला ने एक गैर समुदाय के लड़के के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, जाँच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट राइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।